कैप्टन निसार साहब इंटीरियर मिनिस्टर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इजाज़त दे दी है टू सेंड द पाकिस्तान क्रिकेट टीम टू प्ले द T20 इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिड अश्योरेंसेज रिसीव्ड फ्रॉम चीफ मिनिस्टर बंगाल एंड द होम सेक्रेटरी यूनियन होम सेक्रेटरी एंड द होम मिनिस्टर। अब पाकिस्तानी शाहीन तो भारत में करेंगे परवाज, लेकिन मोदी सरकार को इस महाज पर हुई दोहरी शिकस्त। एक तो धर्मशाला में इंतहा पसंदों के सामने घुटने टेके और अब पाकिस्तान ने अपना मौकिफ मनवा कर चारों शाने चित कर दिया। यूं इजाजत मिल गई है, जहाज भी तैयार है, टीम भी तैयार है, तो करना क्या है, जम कर खेलना है और बस भी मौजूद है, तो हम यही कहेंगे गुड लक टीम ग्रीन, भारत जाओ और जान लड़ा दो। शाहीन आज रात 3 बजे उड़ान भरेंगे, कल कोलकाता में उतरेंगे और इतवार को श्रीलंका से वार्म अप मैच होगा। थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है, ये महज शहरयार खान कहते हैं, परेशानी की कोई बात नहीं। ममता बैनर्जी शाहीनों का पुरतपाक इस्तकबाल करेंगे। चीफ मिनिस्टर ममता बैनर्जी साहिबा ने बड़ी गर्मजोशी से उनको वेलकम करने का बताया है। सौरभ गंगुली से मेरी भी बात हुई थी, कह रहे थे कि आप कलकत्ते आए, हम आपको और आपकी टीम को वेलकम करेंगे वहाँ पर। शहरयार खान जहाँ टीम को भरपूर सिक्योरिटी फराहम किए जाने के लिए पुरउम्मीद है, वहीं बदनज़मी के इम्कान भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। पाकिस्तान के खिलाफ थ्रेट जो है उसको उन्होंने असेस किया है जरूर, लेकिन कम है, तो उसका उन्होंने कहा कि हमने खास इंतजाम किया है कि थ्रेट जो है थ्रेट परसेप्शन। अहम खबर आपको दें कि शाहिद आफरीदी ने इमरान खान से टेलीफोनिक राबिता किया और वर्ल्ड T20 में हिकमत अमली पर मुशावरत की है। इमरान खान ने शाहिद आफरीदी को मशवरा दिया है कि खिलाड़ी तमाशाइयों के दबाव के बगैर सिर्फ और सिर्फ खेल पर फोकस करें। इमरान खान ने यह भी कहा कि खेल के दौरान दिफाई हिकमत अमली इख्तियार ना की जाए बल्कि अग्रेसिव होकर खेला जाए, तो साबिक कप्तान ने मौजूदा कप्तान को काफी मुफीद मशवरे दिए हैं। शाहिद आफरीदी ने इमरान खान को फोन किया और उनसे पूछा कि कैसे खेला जाए, क्या हिकमत अमली बनाई जाए। इमरान खान ने मुफीद मशवरे दिए। खान ने खान को तो मशवरा दे दिया, आवाम क्या कहती है आपको बताएं कि क्रिकेट दीवानों ने भारत जाकर खेलने की इजाजत को पाकिस्तान की जीत करार दिया है। कहते हैं अब शाहीन ऊंची उड़ान भरेंगे। पाकिस्तान ने एशिया कप में जो भी किया है वो इस T20 वर्ल्ड कप में ना करे और बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाए, कम से कम इंडिया से जीत जाए पाकिस्तान। शाहिद आफरीदी की क़यादत में इंडिया को इंडिया में हरा के आएगा और हम सब पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद करेंगे। एशिया कप में तो पाकिस्तान हार गया था, लेकिन अब ये उम्मीद की हम रख रहे हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत के आएगा। शाहीन इंडिया की सरजमीन पर सरहरू होंगे, हम चाहते हैं ये जीते और जाकर परफॉर्म करें पैशन के साथ, जो भी पास में उसको बुला दें और जाकर जीत कर आए। पाकिस्तान को सिक्योरिटी की यकीन दहाने भी हो गई है, अब इंडिया के घर में पाकिस्तान उसको जरूर हरा के आएगा। प्रेशर होगा इन पे, लेकिन फॉर द बेस्ट और पाकिस्तान टीम को चाहिए कि उनके ग्राउंड्स में उनको मुंह तोड़ जवाब दे। पहले मैचों की तरह ये मैच भी बहुत अच्छा होगा। भारत की इंतहा पसंद तो हार गए लेकिन क्रिकेट जीत गए। हमारी पाकिस्तानी टीम इंशाल्लाह देखिएगा आपके जीत के ही आएगी। पाकिस्तान इंडिया जा रही है तो इंशाल्लाह जरूर जीत के आएगी। अगर T20 वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो हम एशिया कप की परफॉर्मेंस भूल जाएंगे इनकी। बहुत अच्छा लग रहा है, पाकिस्तान टीम को इंशाल्लाह वहां से जीत के आना चाहिए, हमारी दुआ है उनके साथ, इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। क्रिकेट का तो दिल पर कब्जा है, लेकिन कुछ लोग दारुल हुकूमत की जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। दुनिया न्यूज पर खबर चली, रावल डैम की झील पर कब्जे की कोशिश नाकाम हुई। दुनिया न्यूज ने रावल झील इस्लामाबाद के किनारे चाइना कटिंग का इंकशाफ किया, जिस पर वजीर आजम ने नोटिस लिया। वजीर खेड, चेयरमैन CD और डिप्टी कमिश्नर सब ही जाग गए। इंतजामिया ने शदीद बारिश में मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज भी कर दिया। रावल डैम की आराजी पर चाइना कटिंग, दुनिया न्यूज की खबर पर वजीर आजम का नोटिस, वजीर कैट, चेयरमैन CDA और डिप्टी कमिश्नर सब जाग गए। तेज बारिश में भी मौके पर अराजी की असर नो निशानदेही, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। इंतजामिया ने कायम नए तजावजात फौरी तौर पर मस्मार करा दी, जबकि फैसला किया गया कि अराजी से मुतल्लिक अदालतों में जेर समात मुकदमात की भरपूर पैरवी की जाए। मुकदमात के फैसले तक रावल झील के अतराफ में तामीरात पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। इंतजामिया ने वाजे किया कि रावल डैम की अराजी में तजावजात कायम करने या खात्मे पर मुजाहमत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आमिर सईद अब्बासी, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद।
वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद शामिल है JF-17 थंडर की घन गरज। कहीं कयामत, तूफानी बारिशों ने बलूचिस्तान में तबाही मचा दी। शिरानी में मकान की छत गिरने से मां चार बच्चों समेत जान बहक हो गई। नोशकी में सैलाबी रेला आया और 8 घर बहा कर ले गया। टांग में तो छत गिरने से बच्चा और करोड़ लाल ईसन में 2 खवातीन दम तोड़ गईं। आसमान से बरसता पानी कहर बन गया। मुसलसल तूफानी बारिश ने बलूचिस्तान में जिंदगी मफलूज कर दी। शेरानी के इलाके शनापोंगा में मकान की छत गिरने से मां 3 बेटों और बेटे समेत जान बहक हो गई। लोरालाई में प्राइमरी स्कूल की छत गिरने से 4 बच्चियां जख्मी हो गईं। नोशकी के इलाके सैयद पालेजई में रेला 8 घरों को बहा कर ले गया। पंचपाई में 10 फुट से ज्यादा रेलवे ट्रैक भी पानी में बह गया। कोयटा, चमन, योग, पशीन, सिब्बी, नसीराबाद, कला अब्दुल्ला, खुजदार, झलमगसी और दीगर इलाके भी शदीद बारिश की लपेट में हैं। सड़कें बंद होने से कई इलाकों का जमीनी राबता मुनकता है। लोग भी घरों में महसूर होकर रह गए। उधर खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल वक्फे वक्फे से बरस रहे हैं। टांग के गांव वरों में मकान गिरने से बच्चा जान बहक और 5 अफराद जख्मी हो गए। पंजाब में लैया की तहसील करोड़ लाल ईसन में भी मकान की छत गिरने से 2 खवातीन दम तोड़ गईं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर इलाकों में भी बरसते बादलों ने जल थल एक कर दिया। लाहौर में यालाबारी भी हुई। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान कराची, हैदराबाद, लाड़काना में भी रिमझिम की पेशगोई की है। सऊदी अरब में फौजी मशकें राज़े शिमाल इख्तिताम पजीर हो गईं। इख्तितामी तकरीब में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने भी शिरकत की। देखते हैं इस बारे में आबिद मलिक की रिपोर्ट। सऊदी अरब में इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी फौजी मशकें इख्तिताम पजीर। 21 इस्लामी ममालिक के फौजी दस्तों की परेड। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ की शिरकत। पाकिस्तानी JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों की शानदार परफॉर्मेंस। इख्तितामी तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के फौजी दस्तों ने अपने अपने कौमी परचम के साथ मार्च पास्ट किया। परेड के दौरान पाकिस्तानी JF-17 थंडर और कराक्रम 8 तैयारों ने शेरदिल फॉर्मेशन के साथ फजा में बेहतरीन महारत का मुजाहरा किया। मशकों में शरीक तमाम 21 ममालिक के झंडे उठाए। पाकिस्तान के SSG कमांडोज ने हेलीकॉप्टर से फ्री फॉल का भी शानदार मुजाहरा किया। आबिद मलिक, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की तबीयत बेहतर हो गई है। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने अस्पताल में उनकी अयादत की। 86 साल हुर्रियत रहनुमा को आर्जा कल्ब के बायस दिल्ली के मैक्स अस्पताल मुंतकिल किया गया था। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने अस्पताल में सैयद अली गिलानी की अयादत की। पाकिस्तानी हाई कमीशन की मस्जिद में बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा की सेहत याबी के लिए खसूसी दुआ भी कराई गई। मीरवाइज उमर फारूक और यासीन मलिक ने भी अस्पताल में खैरियत दरियाफ्त की। खबर की दुनिया में खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। लाहौर में ब्राइडल फैशन वीक का दूसरा रोज है और बहुत से डिजाइनर्स ने अपने डिजाइन लोगों के सामने पेश किए। दुनिया न्यूज की एंकर पर्सन आयशा नाज भी इसी फैशन शो में मौजूद हैं और उन्होंने इस मौके पर डिजाइनर्स निकी अली और नीना जुनेद से बात की है, ये देखते हैं। इस वक्त हम PFDC फैशन वीक के एक्साइटिंग इवेंट के मौके पर निकी और नीना के साथ मौजूद हैं और हम इस मौके का फायदा उठाते हुए उनसे पूछना चाहेंगे कि whom they are supporting and what is their fashion statement this year. We support all the designers who participate in this. और जहाँ तक हमारे स्टेटमेंट का या हमारे इसका ताल्लुक है, हमने इस दफ़ा बहुत ज़्यादा ऑर्गेन्जास का इस्तेमाल किया है और कलर्ड एम्ब्रॉयडरीज तो हमेशा से हमें शौक है। मुझे निकी को और थोड़ा सा निकी बताएगी फैशन के बारे में क्या है। अच्छा, ये बताइए जो बिगिनर्स आए हैं, आपने कहा आपने इस फैशन इंडस्ट्री को बच्चे से लेकर इतना बड़ा किया, जो बिगिनर्स हैं, जो बडिंग ब्रांड्स हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? आपने तो अपसेट कर लिया। जो भी नए बच्चे आते हैं, जो बच्चा मेहनत करते हैं, दे विल ऑलवेज गेट टू द पीक एंड दे डू वेरी वेल। सो देयर इज नो शॉर्टकट टू बीइंग सक्सेसफुल। एक्चुअली आपको मेहनत करके कहीं पे पहुंचना होता है। सो आई ऑलवेज से दैट टू ऑल द न्यू कमर्स कि मेहनत करें और अपनी जगह पे पहुंचे और कोशिश करें कि शॉर्टकट्स ना ढूंढें। थैंक यू सो वेरी मच। सो नाज़रीन,
अपकमिंग टाइम जो आने वाला वक्त है उसमें पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री ही ऐसी एक इंडस्ट्री होगी जो आलमी सतह पर पाकिस्तान का लोहा मनवाएगी। कराची में तीन जुमैनी बातों के बाद फारूक सत्तार ने एक और शगुफा छोड़ दिया। कौन किसकी सास और किसकी बहू है तफसील से बता दिया। दही इलाकों की जो पार्टी है वो सास बन गई है भाई। अब सास को भी हम एहसास दिला रहे हैं कि कभी सास भी बहू थी। सियासी भाई सियासी कजन, गुजरे जमाने तो ये रिश्ते हो गए पुराने। नया दौर नए तकाजे नई सियासत तो फिर नए ही शगुफे। फारूक सत्तार ने भी नया शगुफा तैयार किया। नंदिनी ये तुम बार बार मेरा नाम लेकर बच्ची को क्यों डराती हो? सियासी जमातों के इख्तिलाफात को सास बहू का झगड़ा करार दे दिया। कराची के मकामी कॉलेज में खिताब करते हुए नून लीग को पीपी की सास बना दिया और एमक्यूएम को पीपल्स पार्टी की बहू। अपनी पार्टी की सास को देहाती कहकर पुकारा। पीपल्स पार्टी को रिवायती सास होने का ताना भी मारा। फारूक सत्तार ने सास बहू के खुश रहने का नुस्खा दोहराया। सबसे बड़ी सास का पता भी बताया। दही इलाकों की जो पार्टी है वो सास बन गई है भाई और शहरी इलाकों की पार्टी बहू बन गई है। अब सास को भी हम एहसास दिला रहे हैं कि कभी सास भी बहू थी। उसे अपना भी वक्त याद रखना चाहिए क्योंकि पीएमएलएन पीपल्स पार्टी की सास है, पीपल्स पार्टी हमारी सास है, पीएमएलएन उनकी सास है और इन सब की भी एक सास है जो रावलपिंडी के अंदर बैठी हुई है। अगर एक सास दूसरी बहू का ख्याल नहीं करेगी तो बड़ी सास उस सास का भी ख्याल नहीं करेगी। एमक्यूएम के रानुमा का कहना था कि अगर बहू सास को खुश नहीं रखेगी तो सास भी बहू को नहीं छोड़ेगी। लेकिन कोई ये भी कहता है कि सास मजलूम और मासूम है। वक्त हुआ है न्यूज़ अपडेट का।